नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। एक और छोटी सी वीडियो लेकर आपके बीच पहुंचे हैं। और आज हरियाणा के प्रमुख उद्योग भाई हरियाणा के प्रमुख उद्योग करांगे। हरियाणा जी के बहुत इंपॉर्टेंट है और हरियाणा के जितने भी पेपर है तस्सी के साथियों, उनमें जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जीके में भी नेशनल जीके और हरियाणा जीके। नेशनल जीके के लिए साइंस बहुत जरूरी है और साइंस के लिए एक मेरा साथी टीचर है, उनका चैनल है अमित एग्जाम हब के नाम से। अमित एग्जाम हब जो साइंस और इंग्लिश एचएससी के लिए साइंस और इंग्लिश दोनों आपको इसी चैनल पर करवाएंगे। अमित एग्जाम हब, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो। बिल्कुल इंग्लिश इस हिसाब से करा, बिल्कुल देसी अंदाज में। जो कॉन्स्टेबल लगना चाहूं भाई, जिनकी वीक है इंग्लिश से, तो डर रहे हैं, एक बार इनके चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखें भाई। पसंद आवे तो लाइक और शेयर करियो। और आप बात करेंगे अपने हरियाणा जीके की, और हरियाणा जीके में छोटा सा टॉपिक, हरियाणा के प्रमुख उद्योग किस जिले में है भाई। सबसे पहला देखा यहाँ पा सीमेंट उद्योग भाई। सबसे पहले सीमेंट उद्योग कहां पर है? चरखी दादरी में और सूरजपुर अंबाला में भाई। सीमेंट उद्योग कहां पर है? चरखी दादरी में और सूरजपुर अंबाला में है जो सीमेंट उद्योग है। चरखी दादरी के बारे में दो चार बात में बता दूं साथियों। जो चरखी दादरी का सीमेंट उद्योग था, उसकी स्थापना की गई थी 1939 में। 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो सेठ डालमिया द्वारा यह उद्योग लगाया गया था। और इसमें जर्मनी के इंजीनियर ने सहयोग कराया था। किसने सहयोग कराया था भाई? जर्मनी के इंजीनियर इसमें सहयोग कराया था। लेकिन लेकिन साथियों, वर्ष 1981 में चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री पर सरकार का अधिग्रहण हुआ था। दोनों पेपर मारिए भाई प्रश्न, चरखी दादरी सीमेंट उद्योग कब लगा गया? 1939 में लगा गया। और सरकार का अधिग्रहण कब हुआ? 1981 में। और 1981 में जनवरी 1981 में भाई, एक बार और बता दो साथियों, जनवरी 1981 में जो शिक्षा बोर्ड चंडीगढ़ था, वो 19 जनवरी 1981 में कहां पहुंचा था? भिवानी पहुंचा था भाई। कहां पहुंचा था? भिवानी पहुंचा था। उसके बाद देखांगे चीनी उद्योग भाई। चीनी उद्योग में यमुनानगर भाई, चीनी उद्योग कहां पर है? यमुनानगर में है। और एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल का यदि मैं जिक्र करूं तो सरस्वती शुगर मिल। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल भाई। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना वर्ष 1933 में भाई लाहौर में की गई। कहां की गई थी? लाहौर में की गई थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1933 में लाहौर में की गई थी। उसके बाद कागज उद्योग भाई, कौन सा उद्योग है? कागज उद्योग। और यो भी कहां पर है? यमुनानगर में। कहां पर है भाई? यमुनानगर में। हरियाणा की सबसे बड़ी पेपर मिल भाई, हरियाणा की सबसे बड़ी पेपर मिल कौन सी है? बिल्ट पेपर मिल। कौन सी है भाई? बिल्ट पेपर मिल है। और यह बिल्ट पेपर मिल यमुनानगर जिले में है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1929 में भाई। 1929 में बिल्ट पेपर मिल की स्थापना की गई। और यह किस जिले में है? यमुनानगर जिले में है। कौन सा जिले में है? यमुनानगर जिले में है। उसके बाद देखियो सूती कपड़ा उद्योग भाई। सूती कपड़ा मिले आ जा, सूती कपड़ा उद्योग आ जा, दो जिला में है भाई, भिवानी में हिसार में। सूती कपड़ा उद्योग कहां पर है? भिवानी व हिसार में है। इसके साथ ही बता देता हूं साथियों, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना, भिवानी में जो टेक्सटाइल मिल सबसे पहले लगी थी वह 1937 में लगी। कब लगी? 1937 में। तो सूती कपड़ा मिले कहां पर है? भिवानी व हिसार में है। सबसे पहले जो टेक्सटाइल मिल भिवानी में लगी 1937 में लगी। कब लगी? 1937 में लगी। और प्रश्न आ गया आलिया इसार टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1955 में भाई। कब हुई थी? 1955 में। एक साथ एक बात और बताऊं, जो मैंने पिछली वीडियो में डाली भी थी, हरियाणा के प्रमुख शोध संस्थान में डाली थी, भिवानी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिल हो तो वर्ष 1943 में भाई। कौन सा वर्ष? 1943
43 में। सीधी सी बात है, पहले देसी काम आओगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो टेक्नोलॉजी आई बाद में, कब आई 1943 में, लेकिन स्थापना कब हुई 1937 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न भाई, ऊन उद्योग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऊन उद्योग पानीपत में है, कहां पर है, पानीपत में है, और खास बात सेना के 75% कंबल भाई, सेना के 75% कंबल जो है वो पानीपत में बनाए जा है, कहां बनाए जा है, पानीपत में बनाए जा है, इसलिए इस शहर को अतकरगांव का शहर, बुनकरों का शहर, हरियाणा का पेट्रोकेमिकल शहर, और पतरंगाचार भी कहां से है, पानीपत से। तो आगे समझ में, ऊन उद्योग पानीपत में, सेना के कितने प्रतिशत कंबल, 75% कंबल बनाए जा है। चमड़ा उद्योग भाई नेक्स्ट है, चमड़ा उद्योग जींद व फरीदाबाद, जींद व फरीदाबाद सबसे ज्यादा बहस बताई थी मैंने आप लोगों से, कहां पर है, जींद में है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बहस पूछा तो जींद में है, हरियाणा की दूध नगरी जींद है, और हरियाणा का सबसे बड़ा चारा प्लांट जो पशुआ का है वो भी कित है, जींद में है। साथियों भैंस है, चारा ज्यादा खाएंगी मर भी सके हैं भाई, और मरेंगे तो उनकी खाल काम आओगी, तो चमड़ा उद्योग कहां पर है, जींद में है, और एक गाना भी है, जींद वाली जूतियां ने कर दिए सितम, बिजली सी टूट पड़ी मारे गए हम, तो याद रह जाएगा। उसके बाद फरीदाबाद, और दूसरा उद्योग कड़ा है फरीदाबाद में, चमड़ा उद्योग है। गोला बारूद उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट बात, गोला बारूद उद्योग कहां पर है, यमुनानगर में है भाई, गोला बारूद उद्योग यमुनानगर में है, और इसके साथ एक और बता दूं, यहां पर 60%, यहां पर 60% बक्से बनाए जाए भाई, बक्से बनाए जाए जिनमें रखे जाए गोला बारूद, बॉक्स बनाए जाए है, वो 60% कहां पर बनाए जाए है, यमुनानगर का एक शहर है जगाधरी, जगाधरी शहर है जिसे मिनी पित्तल नगरी कहा गया है, क्या कहा गया है, मिनी पित्तल नगरी कहा गया है, यहां पर 60% बॉक्स बनाए जा है, बक्से बनाए जा है। ठीक है भाई, औषधि उद्योग कहां पर है, गुरुग्राम में है, यो कहां पर है भाई, गुरुग्राम में है औषधि उद्योग, और मानेसर भी कहां पर है, गुरुग्राम में है। उसके बाद मोटर वाहन उद्योग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर वाहन उद्योग में सबसे पहले गुरुग्राम का जिक्र करांगे, कहां पर है, गुरुग्राम में, और दूसरा शहर है फरीदाबाद, कौन सा है, फरीदाबाद भाई। राजदूत मोटरसाइकिल भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राजदूत मोटरसाइकिल कहां बनती है, फरीदाबाद में बने हैं, इनफील्ड मोटरसाइकिल आ जा तो फरीदाबाद में बने हैं, राजदूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद में, इनफील्ड मोटरसाइकिल फरीदाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लियो, उसके बाद देखियो नेक्स्ट मारुति उद्योग, मारुति उद्योग कहां पर है, गुरुग्राम के अंदर है भाई, और गुरुग्राम में भी जगह पूछो तो मानेसर, कहां पर है, मानेसर में है, और मानेसर के पास एक कासड़ गांव है, कौन सा गांव, कासड़ गांव भाई, कासड़ गांव है, जो मारुति कंपनी है, मारुति जो कंपनी है उसको, उसने कासड़ गांव को गोद ले रखा है भाई, कौन से गांव को गोद ले रखा है, कासड़ गांव को गोद ले रखा है, और कासड़ गांव से संबंधित एक प्रश्न पेपर में भी आ गया साथियों, भगत पूर्णमल का मेला, भगत पूर्णमल का मेला कहां लगता है, तो यो कासड़ गांव में लगता है, और यो किस जिले में है, गुरुग्राम जिले में है भाई, किस जिले में है, गुरुग्राम जिले में है। इसके साथ ही बता देता हूं साथियों, हीरो की मोटरसाइकिल पूछे तो हीरो, हीरो की मोटरसाइकिल पूछे तो दारूएड़ा में बना है, कहां बना है भाई, दारूएड़ा यो हरेवाड़ी में, होंडा की मोटरसाइकिल पूछे तो कहां बना है, ये बना है मानेसर में, राजदूत मोटरसाइकिल व इनफील्ड मोटरसाइकिल पूछो तो कहां बने हैं, ये बने हैं फरीदाबाद में, कहां बने हैं साथियों, फरीदाबाद में बने हैं। उसके बाद साइकिल उद्योग भाई, उसके बाद कौन सा है, साइकिल उद्योग है, साइकिल उद्योग कहां पर प्रसिद्ध है, सोनीपत में भाई, कहां पर है, सोनीपत में, प्रश्न आ जाए सोनीपत में, एटले साइकिल उद्योग की स्थापना कब की गई, 1951 में भाई, कब की गई थी, वर्ष 1951 में की गई थी, और सोनीपत में एटले साइकिल सबसे ज्यादा हरियाणा में बने हैं। उसके बाद फूम्बे उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है, सोनीपत, मशरूम में भी सोनीपत, और छतरक में भी कौन सा है, सोनीपत है भाई।
उसके बाद बाटा शूज कंपनी भाई, बाटा के जूते या चप्पल कहाँ बने हैं? ये बने हैं फरीदाबाद में। कहाँ बने हैं भाई? फरीदाबाद में बने हैं। कहाँ बने हैं ये? फरीदाबाद में बने हैं। उसके बाद देखिए लिबर्टी जूते भाई, लिबर्टी के जूते कहाँ बने हैं? ये करनाल में बने। लेकिन पेपर में प्रश्न कौन सा आया था मैं बता रहा हूं साथियों, हरियाणा में किस कंपनी के जूतों का विदेशों में निर्यात किया जाता है? ऑप्शन दे बाटा के जूते, लिबर्टी के जूते। उत्तर क्या था भाई? लिबर्टी के जूता का निर्यात किया जाता है और जो कहां बने हैं? करनाल में बने हैं। करनाल के बारे में दो बात और बता दूं, वर्तमान में हरियाणा का पैरिश करनाल कौन सा है? वर्तमान में हरियाणा का पैरिश करनाल, धान का कटोरा करनाल, करण झील करनाल, करण की नगरी करनाल, डेयरी अनुसंधान करनाल, गेहूं में जो अनुसंधान करनाल, पशु अनुवांशिक अनुसंधान करनाल, पशु अनुवांशिक ब्यूरो करनाल, मिट्टी लवण अनुसंधान करनाल, गरौंडा तहसील करनाल, इंद्री करनाल, असंध करनाल, नीलोखेड़ी करनाल। साथियों सारे पेपर में पूछे गए हैं, 43 सेकंड में जिला करा दिया 43 सेकंड में, और इसमें तो ये 2 घंटे में लिखवा दो। तो साथियों जिस दिन जिले ग्राम माने शुरू उस दिन देखियो जिले में जब कुछ भी बच जाता हरियाणा जीके का, एक के बाद बताई थी गुरु जी ने भाइयों जो भी काम करो मन तय करो, चाहे चाह बढ़ाओ तो इसी बनाओ, आप पर की कोई बनाता ना हो, हरियाणा जीके करो तो इसी करो, आप पर की कोई पढ़ता ना हो, क्योंकि अपना घर है और परिवार है। तो समझ में आ गया लिबर्टी के जूते कहां पर है? करनाल। उसके बाद देखिए प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? फरीदाबाद है। ठीक है भाई, एचएमटी उद्योग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एचएमटी उद्योग कहां पर है? पिंजौर में है, और यो कहां पर है? पंचकुला में भाई। कहां पर है? पंचकुला में। साथियों ट्रैक्टर सबसे ज्यादा पूछे तो फरीदाबाद में बने भाई, ट्रैक्टर सबसे ज्यादा पूछे तो फरीदाबाद में। लेकिन ट्रैक्टर में भी एक ट्रैक्टर था एचएमटी ट्रैक्टर, सुना होगा बहुत पुराना ट्रैक्टर था एचएमटी ट्रैक्टर, कहां बना करता? पिंजौर पंचकुला में। वर्तमान में यह बंद होगी कंपनी भाई, पिंजौर में जो ट्रैक्टर बना करते वो बढ़ने बंद हो गए हैं, और यो कहां पर था? पंचकुला में। बर्तन उद्योग, वाह जी वाह, लो जी बर्तन उद्योग है, लेकिन इसमें दो बात है, बर्तन उद्योग पित्तल के भाई, किसके बर्तन है? पित्तल के। तो कहां पर है? रेवाड़ी में। बर्तन उद्योग पित्तल पूछा तो रेवाड़ी में, लेकिन इसका साथ ही पूछा है बर्तन उद्योग चिन्नी मिट्टी, बर्तन उद्योग चिन्नी मिट्टी कहां पर है? गुरुग्राम व बहादुरगढ़, गुरुग्राम व बहादुरगढ़। लेकिन एक प्रश्न और पूछ लिया हरियाणा जीके में, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, बर्तन तो सटील के भी है, और सटील उद्योग कहां पर है? हिसार में। सटील के बर्तन पूछे तो भाई बाल्टी है, जैसे सटील बर्तन उद्योग पूछे तो हिसार, चिन्नी मिट्टी बर्तन उद्योग पूछे तो गुरुग्राम बहादुरगढ़, लेकिन बर्तन उद्योग पूछे पित्तल के तो फिर रेवाड़ी भाई। कहां पर बने हो? रेवाड़ी में बने हैं। उसके बाद सैनिटरी उद्योग भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार बार या पेपर में भाई, चार बार या, और यो कहां पर है? बहादुरगढ़ में है। कहां पर है यो? बहादुरगढ़ है, और जिसका प्राचीन नाम मैंने बताया था सराफाबाद, के नाम है सराफाबाद है, और बहादुरगढ़ वर्तमान में किस जिला में पड़ा है? झज्जर जिला में पड़ा है। कौन सा जिला में पड़ा है? झज्जर, जिसको शहीद होगा शहर कहा जाता है। उसके बाद तिल्ली शू उद्योग है, मतलब तिल्ली की जुत्ती जो बने हैं वो कहां बने हैं? रेवाड़ी के अंदर। कहां बने हैं भाई? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है साथियों, उसके बाद देखो लोहे के पाइप, अति आसान है, लोहे के पाइप कड़ बने हैं हिसार भाई वह गन्नौर, हिसार वह गन्नौर। इस तरह एक प्रश्न और भी आ सका है, हरियाणा में सटील किंग कौन है? ओम प्रकाश जिंदल। हरियाणा का सटील किंग ओम प्रकाश जिंदल, और वो कहां से है? हिसार से। ठीक है भाई, 1300 कारखाना यानी पेट्रोकेमिकल शहर की शहर कहा गया? पानीपत को। किसे कहा गया है? पानीपत को। उसके बाद हैंडलूम का शहर भी पानीपत, लेकिन इसके साथ ही पूछा है गलीचों का शहर, गलीचों का शहर कौन सा है? अंबाड़ा, अंबाड़ा मिक्सी सिटी, अंबाड़ा हरियाणा की साइंस सिटी, अंबाड़ा। कितने प्रतिशत साइंस के ऊपर बने? 35%। कितने बने हैं भाई? 35% साइंस के ऊपर कहा बने हैं? अंबाड़ा में बने हैं। वैज्ञानिक उपकरण कहां बने हैं? अंबाड़ा में बने हैं। उसके बाद देखियो इंजीनियरिंग उद्योग भाई, ये कहां पर है? फरीदाबाद में। कहां पर है? फरीदाबाद में बने हैं। तो साथियों हरियाणा के ये प्रमुख उद्योग थे, किस उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है?
छोटी ही वीडियो है और एक वादा है आप लोगों से, छोटा छोटा करके हम आपको पूरा हरियाणा जी के धीरे धीरे आपको मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे ही दोस्तों में दो कमेंट आए थे फोन पे लोगों के, भाई सर करंट जी के, करंट जी के भाई, करंट जी के मैं जनवरी तक ले और छह महीने की जी के मैं डाल दूंगा भाई, महाभारत के प्रश्न भी डाल दूंगा, एक आप संयम बना कर रखो। मैं कल दो वीडियो डाली थी, आज एक वीडियो है, जैसे ही समय मिलता है मैं दो भी डाल दूं, क्योंकि 9 से 3 बजे तक क्लास चलती है मित्रों, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद इतना मिला है, देखो जितना आप लोगों ने प्यार दिया हमें उस तक जिम्मेवारी और बढ़ गई भाई, क्योंकि वह क्वालिटी दी जा आपको, बढ़िया से बढ़िया चीज डाली जा, ताकि आप घर बैठे अपना पेपर की तैयारी कर सको। तो साथियों आज के लिए इतना है, जय हिंद जय भारत।